मुद्दा चर्चा में है। कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने जहां राज्य सरकारों को लॉकडाउन को लेकर आगे की रणनीति पर फैसला लेने की पूरी छूट दे दी है, तो राज्य ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बना लिए हैं। बात करें चंडीगढ़ की, तो लगातार कोरोना का केस मिलने के बाद प्रशासन इस पर गंभीर विचार कर रहा है। चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी भी दी है कि पंजाब की तर्ज पर चंडीगढ़ में शनिवार रविवार के दिन कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इस संबंध में प्रशासन लगातार चर्चा कर रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर आज प्रकाश टीम ने मुद्दा चर्चा में है कार्यक्रम के तहत चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगाया जाए या नहीं, इस पर जनता की राय ली है। जरा देखें। अर्थप्रकाश देख रहे हैं तमाम भाई बहनों को, डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है मुद्दा चर्चा में है के अंतर्गत। आज हम, जैसे आपको पता है कि हम हर रोज़ एक मुद्दा उठा रहे हैं और जो जनता से संबंधित होता है, और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जैसे आपको पता है कि कल चंडीगढ़ प्रशासन ने एक मीटिंग की है जिसके अंदर चंडीगढ़ के आला अधिकारी थे, उन्होंने ये सुजेशन दिया है और तैयारी भी कर रहे हैं, जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि चंडीगढ़ में वीकेंड में कर्फ्यू लगाया जाएगा। और आज हम बातचीत करेंगे आम जनता के साथ कि वो कर्फ्यू जो लग रहा है उसको किस दृष्टि से देखते हैं। रवि जी, जैसे चंडीगढ़ प्रशासन ये कह रहा है कि कल मीटिंग भी हुई है, तैयारियां कर रहे हैं कि सप्ताह के एंड में कर्फ्यू लगना चाहिए, इसके लिए योजना बना रहे हैं, आपका क्या विचार है, कर्फ्यू लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए सर, जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं केसेस, लगना चाहिए सर, हालात देखते हुए तो लगना चाहिए। ठीक, ये जो ऐसा बीमारी बढ़ रहा है उस हिसाब से तो लगना चाहिए कर्फ्यू, गलत हो रहा है तो लगना चाहिए, लोगों को खर्चा तो पहुँचे, अरे बंदे कहाँ जाएंगे जी? सर लगना चाहिए था फिर वीकली नहीं, यह तो पूरे ही बंद होना चाहिए। कोरोना वायरस कड़ा पढ़िया लिखा जिन्होंने पता है भी सैटरडे संडे मेरा दिन आ, तो जोड़े बाकी हफ्ते जी पाँच दिन आ पब्लिक दे है जी, मैं उन्होंने टच नहीं करना आए पाँच दिन। नहीं सर, कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए सर, खाएंगे क्या, तीन महीने से पहली परेशान है। क्या नाम है जी आपका? भटूरे खा दो। चलो भटूरे भी खाओ आप, ये बता दो कर्फ्यू लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं, दो दिन के किसी क्यों लगे ये बताओ, हम मंडी में जाते हैं, हमें जाने नहीं देते, कोरोना बताया किसने, वो जहाज़ों में थे आ गए, उन्होंने करा, उनको तो रोक नहीं रहा कोई। कर्फ्यू लगना चाहिए, पहले तो जो मास्क नहीं लगाते हमारे ये 29 सेक्टर का पार्क है और ये सीबीआई वाला, लोग शाम को बच्चे फुटबॉल खेलते जबकि कुत्ते लेके घूमते हैं जबकि अलाउड नहीं है, हम कहते हैं तो लोग हमारे लड़ने के लिए आते हैं। नहीं लगना चाहिए सर, क्यों नहीं लगना चाहिए? अभी हमारा तो गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, अभी इतने दिन बाद काम लगा है, अभी चार दिन फिर काम लगा, दो दिन फिर छुट्टी हो जाए, क्या कमाएंगे जी? सरकार को तो कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो छोटे लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर अगर तो सैलरी पूरी प्रॉपर देंगे हर महीने फिर तो लग जाए, मिडिल क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये सैलरी प्रॉपर देते रहे। वो नहीं लगना चाहिए जनाब, यहाँ थोड़ा बहुत जो कुछ कर दे लेते वो भी बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, फिर अगर कर्फ्यू लग गया तो भी बताओ। वीकेंड पे लगना चाहिए? बहुत जी कर्फ्यू लग रहे, भूखे मरने के पहले भूखे मरे बहुत ज़्यादा। लगना नहीं चाहिए काम ही, क्यों नहीं लगना चाहिए? काम ही नहीं है यहाँ। कर्फ्यू तो नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो हिदायतें हैं वो हिदायत के साथ साथ थोड़ा बहुत खुला रखना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर जो कर्फ्यू लग जाएगा तो कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से अपना? लेकिन कर्फ्यू लगना चाहिए बट लिमिट के हिसाब से, हमारा सबका नुकसान हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि काम भी इतना नहीं है और कस्टमर भी नहीं आ रहे, इसके लिए थोड़ा देखना चाहिए। केस बढ़ रहे हैं, इस हिसाब को देख के तो लगता है कि बढ़ना चाहिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।